हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश बड़ूजर। अभी आप देख रहे हो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन MIS। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, AC 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 चार चौकोर और ये ऐसे ऐसे बांध रहते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं। तो उसमें आपको क्या लिखने का है, सबसे चार पांच बॉक्स रहेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स में इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस, ऐसा आपको एक एक करके लिख देना है। और ये आपको डायग्राम दिखाने की है, फिर इसके ऊपर से आपको ढापने का है, जितना मर्जी पड़े उतना ढापने का, डायरेक्ट टेंशन नहीं लेने का। तो देखेंगे अभी, सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो एक एक पॉइंट अभी हम कवर करेंगे एक एक वीडियो में। तो इन्वेस्टिगेशन, इट इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमारी प्रिलिमिनरी स्टडी रहती है। इसमें इसका जो पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, ये फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर डिपेंड रहता है। जो प्रिलिमिनरी स्टडी यूज टू डिटरमाइन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कॉस्ट बेनिफिट, मतलब इसमें जो कुछ कॉस्ट लगने वाली है, जो कुछ बेनिफिट होगा, ये फिजिबली शो करता है हमें। द गोल ऑफ फिजिबल सिस्टम इज टू मेक अल्टरनेटिव सिस्टम, तो अल्टरनेटिव सिस्टम बनाने के लिए काम आता है। तो इंफॉर्मेशन गैदर मेनी वेज, तो बहुत सारे वेज रहते हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरव्यू विद द कस्टमर एम्प्लॉय ऑप्शनरीज, मतलब इंटरव्यू करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, जो हमारे कस्टमर रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, या और उनसे हम जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहते हैं वो पूछते हैं फॉर एंड यूजर ट्रेनिंग। तो उसमें कुछ ये है फिजिबिलिटी। तो देखते हैं, सबसे पहली फिजिबिलिटी रहती है, मतलब फिजिबिलिटी यानी कि मतलब ये क्या होता है, वो फिजिबल रहता है, वो ही रहता है। देखिए आप आगे समझ में आएगा। इट इज हाउ अ वेल पर्पस सिस्टम सपोर्ट्स वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये शो करता है कि कैसा हमारा सिस्टम वेल पर्पस है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी है या नहीं है। उसके बाद में इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए काम आती है। उसके बाद में टेक्निकल फिजिबिलिटी रहती है, जो स्टडी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी टू ऑर्डर ऑफ द कस्टमर, तो वो कॉल कैलकुलेट करने में काम आता है। उसके बाद में आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, जो इसमें एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रहती है, एम्प्लॉय कस्टमर सप्लायर जॉब रहते हैं, दैट मेक टू मतलब ओवरराइड मैनेजमेंट लो इन टाइम ऑर्डर, मतलब जल्दी से जल्दी हम उनका ऑर्डर वगैरह पूरा कर दें, या ऐसा कुछ उसमें होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू।